में किसी भी दल के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होने की वजह से राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी सियासी उठापटक के साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि नतीजे सामने आने के 15 दिन बाद भी कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने से बेहतर विकल्प दूसरा नहीं है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को एनसीपी और कांग्रेस ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाना बताया है। लोकतंत्र जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र और संविधान की मजाक उड़ाने की कोशिश उन्होंने की है। एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने पर कहा कि सभी बिंदुओं पर स्थितियां साफ होने के बाद ही हम इस पर आगे बात करेंगे। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद शिवसेना को समर्थन देने पर बात की जाएगी। वहीं बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस मिलकर शिवसेना को मूर्ख बना रही है। बीजेपी सरकार बनाने पर राणे ने कहा, हम सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे, विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति शासन लगाने को शिवसेना के लिए 6 महीने का वक्त मिलना बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, जब बीजेपी अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है तो फिर शिवसेना क्यों नहीं। हिंदुत्व का जो मुद्दा है तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी और भारतीय जनता पक्ष किन मुद्दों पर एक साथ आए थे, मैं जानना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पक्ष कैसे एक साथ आए थे, इकट्ठा आए थे, मैं जानना चाहता हूँ। चंद्रा बाबू जी है, रामविलास जी है, अन्य सारे राज्य में जो भिन्न विचारधारा के पक्ष और भारतीय जनता पक्ष का गठबंधन हुआ था, मैं वो भी जानकारी ले लूंगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में तीनों बड़ी पार्टियां सरकार नहीं बना पाई है, जिस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं ब्राजील में आज शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, फिर पाकिस्तान के चरित्र को बेपर्दा करने की पुख्ता तैयारी है। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज ब्राजील पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज और कल ब्रिक्स सम्मेलन के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो से मुलाकात करेंगे। ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी एक बार फिर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति दुनिया के सामने रखेंगे और आतंकवाद की पनाहगाह यानी पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान को अलग थलग करने का सिलसिला जारी रहेगा। और बड़ी खबर यह है मॉर्निंग ब्रेकिंग में, दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। मंगलवार की सुबह एक्यूआई पीएम 2.5 का स्तर, आपको बता दें, 466 है, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है। जबकि नोएडा में एक्यूआई 472 दर्ज किया गया और फरीदाबाद में एक्यूआई 441 तक पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। तो किस तरह से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं दिल्ली एनसीआर के लोग, ये आपको बताता है आंकड़ा, क्योंकि एक्यूआई किस तरह से लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। 2 दिन से फिर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सांस लेने में तकलीफ है और जो स्मॉग है उससे ये समझ में आता है कि लोग नहीं चाहते कि वो अपने घरों से बाहर निकले। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज से दिल्ली में फिर से ऑड इवन स्कीम लागू हो गई है। आज भी दिल्ली के वातावरण में जहरीली हवा की मात्रा बढ़ी हुई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के साथ ही मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली का वातावरण अभी भी खतरनाक बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 500 पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पीएम 10 भी खतरनाक 497 के स्तर पर बना हुआ है। इसके अलावा 3 दिन के ब्रेक के बाद दिल्ली में आज गाड़ियां ऑड इवन स्कीम के तहत ही चल रही हैं, जो कि 15 नवंबर तक लागू रहेगा। तो दिल्ली में लागू ऑड इवन स्कीम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में ऑड इवन स्कीम को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ऑड इवन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑड इवन स्कीम मनमानी और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। साथ ही राजनीतिक और वोट बैंक के हथखंडे के अलावा ऑड इवन स्कीम कुछ नहीं है। याचिका नोएडा के एक वकील ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस योजना के बारे में दिल्ली सरकार की 1 नवंबर की अधिसूचना से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। याचिका में कहा गया है कि ऑड इवन स्कीम दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के मौलिक अधिकारों का भी हनन करती है। याचिका में कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों में रोजाना हजारों लोग नौकरी और कारोबार के सिलसिले में अपनी गाड़ियों से दिल्ली आते हैं और लौटते हैं। ऐसे हालात में ऑड इवन स्कीम से संविधान में अनुच्छेद 19(1)(g) के प्रावधान का हनन होता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस योजना से नागरिकों का अपना कारोबार करने और बगैर किसी बाधा के देश में कहीं भी जाने के मौलिक अधिकार का हनन होता है। योजना के बारे में दिए गए तर्कों पर सवाल उठाते हुए याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत 3 स्रोतों के आंकड़ों ने पुष्टि की है कि इससे पहले भी लागू की गई इस ऑड इवन स्कीम से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की वित्त विधेयक 2017 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। वित्त विधेयक 2017 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला सुना सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने वित्त अधिनियम 2017 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने वित्त विधेयक 2017 के धन विधेयक के रूप में प्रमाणीकरण को सुप्रीम कोर्ट में कानून सम्मत ठहराते हुए कहा था कि इसके प्रावधानों में न्याय अधिकारों के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से आते हैं। वहीं कर्नाटक के 17 विधायकों की अयोग्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 भागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जस्टिस एनवी रमणा के नेतृत्व वाली 3 जजों की पीठ फैसला सुनाएगी। दरअसल याचिका में कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आयोग करार दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व स्पीकर रमेश कुमार पर गलत तरीके से विधायकों के इस्तीफे को अस्वीकार करने का आरोप लगा था, जिसके बाद विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं बागी विधायकों की ओर से कहा गया था कि पूर्व स्पीकर ने बिना जांच किए ही अयोग्य घोषित कर दिया था। और आज खुद पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, क्या सीजेआई दफ्तर आरटीआई के दायरे में आएगा, आज ये तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आज फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाही में 5 जजों की संविधान पीठ दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाए जाने का नोटिस मंगलवार दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया था। संविधान पीठ ने 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 जजों के बेंच ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था कि सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचेगा। राम जन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में तेजी से विकास के लिए योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए काम शुरू हो गया है। विकास को गति देने के लिए सबसे पहले अयोध्या नगर निगम का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत नगर निगम सीमा से जुड़े 41 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। नगर निगम में मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, अंबेडकर स्टेडियम और एयरपोर्ट को शामिल किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में ताजा ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए ऑक्सीजन बार खोले जा रहे हैं। समझिए आप, जहां पैसे देकर आप भी ऑक्सीजन ले सकते हैं।
प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी दिल्ली एनसीआर में अब लोग ताज़ा ऑक्सीजन खरीद सकते हैं। खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुकी हवा की क्वालिटी में ऑक्सीजन तो दूर सांस लेने के बारे में भी कोई नहीं सोच सकता है। ऐसे में दिल्ली में प्योर ऑक्सीजन लोग खरीद रहे हैं, वो भी 15 मिनट की ऑक्सीजन के लिए पूरे 300 रुपये देकर। ऑक्सीजन बार में लोग ताज़ा ऑक्सीजन का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं CBSE इस बार फिर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट दिसंबर में जारी कर सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE दिसंबर 2019 में कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर सकता है। यह दूसरा साल है जब CBSE बोर्ड मार्च के बजाय फरवरी में परीक्षाएं शुरू कर रहा है। बोर्ड के इस नए परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक इस बार डेटशीट भी जल्द जारी की जाएगी। बता दें कि साल 2018 से पहले CBSE की बोर्ड परीक्षाएं मार्च अप्रैल में आयोजित की जाती थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक दर्जन से अधिक यात्रियों को ले जा रहा एक वाहन सड़क से फिसल कर बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गया। कानपुर में मछलियों से भरा एक ट्रक पलट गया, फिर क्या था, देखते ही देखते सड़क पर नजारा बदल गया। कानपुर में गन फैक्ट्री रोड पर मछलियों से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद सड़क पर मछलियों को लूटने वालों का मेला लग गया। सड़क पर ही तालाब जैसा नजारा बन गया, चारों तरफ मछलियां ही मछलियां नजर आ रही थी। ट्रक के पलटने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों में मछलियों को लूटने की होड़ मच गई। काम पर जाने की फिक्र छोड़कर लोग केवल मछलियों को लूटने में लग गए। इस दौरान सड़क पर भारी जाम भी लग गया। मछली लूटने को लेकर कई बार लोगों के बीच झड़प भी देखी गई। वहीं केरल के सबरीमाला मंदिर में 17 नवंबर से 2 महीने के लिए महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में 17 नवंबर से मंडलम मकर विलक उत्सव शुरू हो रहा है। उत्सव के चलते मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 महीने तक चलने वाले उत्सव और तीर्थ यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मंदिर परिसर के आसपास और पूरे इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। केरल पुलिस के मुताबिक मंडलम मकर विलक उत्सव के दौरान 10,000 से ज्यादा पुलिस वाले मंदिर परिसर के आसपास तैनात रहेंगे। प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था, श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी भी की। प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 550वें जयंती पर श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में दीप जलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। स्वर्ण मंदिर की सजावट को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचे। वाराणसी और अयोध्या में देव दीपावली मनाई गई, देखने के लिए देश विदेश से लाखों सैलानी पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी और अयोध्या में देव दीपावली मनाई गई। दीयों की रोशनी से सारे घाट जगमगा हुए। वाराणसी में देव दीपावली की सजावट को देखने के लिए देश विदेश से सैलानियों के ग्रुप गंगा की घाटों पर उमड़ पड़ा। पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर पनपी देव दीपावली की इस परंपरा की शुरुआत पुरातन काल से मानी जाती है। इस बार राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने पर लोगों में उत्साह है, जिस वजह से देव दीपावली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।